स्टूडेंट्स जो विस्तार में जो एडमिशन लिया है या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जो बहुत समय से कोडिंग कर रहा है लेकिन लगातार कोडिंग उससे हो नहीं रही है, रीजन से ये है कि थोड़ा सा लर्निंग में दिक्कत आ रही है, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से भी रहते हैं या फिर जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते है या आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं उनको भी दिक्कत जाती है। तो सबसे पहले मैं 10 पॉइंट उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए ला रहा हूँ जिनको कोडिंग करने में काफी दिक्कतें हो रही है या फिर जैसे कोडिंग थोड़ा सा टफ होता है उनकी दिक्कतें बढ़ने लगती है। तो ये 10 पॉइंट आपके सामने है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी कोडिंग करने से पहले एक क्वेश्चन आपको मन में पूछना चाहिए कि व्हाई आई शुड लर्न कोड, आप कोड लर्न करके बनना क्या चाहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान रखिएगा कि लोग कोडिंग करते हैं लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं रहता कि मुझे इस कोडिंग को सीख के बनना क्या है, वेब डेवलपर बनना है, एआई डेवलपर बनना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बनना है, विंडोज ओएस बनाना है, लिनक्स बनाना है, क्यूब करना है, अगर ये क्लियर रहता है तो कोडिंग ऑटोमेटिकली होने स्टार्ट आपकी हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या रहता है व्हाई आई शुड लर्न कोड, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरा आपको ध्यान रखना है पिक द राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकेंड सभी ध्यान दीजिएगा, आप सबको ध्यान रखना है कि जब आपको क्लियर हो गया कि मुझे कौन से फील्ड में करियर बनाना है, मुझे क्यों कोडिंग करनी है, तो आपको क्या करना है राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पिक करना जरूरी है जिससे आप शुरुआत करेंगे। कई लोग सी से शुरुआत करते हैं, कई लोग सी प्लस प्लस से शुरुआत करते हैं और कई लोग पाइथन से शुरुआत करते हैं। आपको तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बता रहा हूँ, तीन में से कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ के शुरुआत पहले आप कर लो, ठीक है। सी सी प्लस प्लस पाइथन आर द एलिमेंट्स जिससे आप शुरुआत कर सकते हो, और अगर आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा है तो आप जावा जैसे लैंग्वेज से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल लैंग्वेज आपका ये रहता है। थर्ड आपको ध्यान रखना है जो भी नए प्रोग्रामर्स हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो स्मॉल एप्लीकेशंस या प्रोजेक्ट्स बनाते चले जाए, जैसे जैसे कोडिंग सीखते जा रहे हैं छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाना चालू कर दो, जैसे आपको पेपर कॉलेजों में कराया भी जाता है, आपको अर्थमेटिक ऑपरेशंस का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जा रहे हैं, आपको एक बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कहा जा रहा है, अटेंडेंस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो छोटे छोटे अगर आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आप देखिएगा आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी। कि नए प्रोग्रामर्स के लिए बहुत जरूरी है ध्यान कि आप वन वन पेज के जब सॉफ्टवेयर बनाते हो तो आपको उससे क्या होता है कि जो भी आपने प्रोग्रामिंग सीखी उससे आपका एप्लीकेशन आपका सुधरता है। फोर्थ आपको यह ध्यान रखना है कि आपको कोडिंग कम्युनिटी ज्वाइन करनी है। सबको मैं बता देता हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज है कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोडिंग कम्युनिटी काम करती है, जैसे फेसबुक में कोडिंग कम्युनिटी है, व्हाट्सएप में भी कोडिंग ग्रुप बने हुए, टेलीग्राम में कोडिंग ग्रुप है, यूट्यूब में कोडिंग कम्युनिटी है, इंस्टा में कोडिंग कम्युनिटी है, आप कोडिंग कम्युनिटी ढूंढे और उसमें जुड़ते जाइए। इससे क्या होता है आपको जो एडिट एडवांटेज है, आपको जो अतिरिक्त नॉलेज आपको काफी कुछ मिलता है और लेटेस्ट नॉलेज आपको मिलता है कि आज क्या चल रहा है, क्योंकि सिलेबसेस में कई बार आज की बात नहीं होती है, तो कम्युनिटी से जुड़ेंगे तो आज की बात आप सीखेंगे। नेक्स्ट है आपको ध्यान रखना कि जो हमारे नए प्रोग्रामर से ये ध्यान रखिएगा फंडामेंटल अपने भैया क्लियर करते जाओ। नए स्टूडेंट्स जो रहते हैं उनको बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैं गाइडलाइन बता दे रहा हूँ, अपने फंडामेंटल्स पर पहले काम करो, भले तुम एक महीने की कोडिंग में लगे रहो लेकिन जो बेसिक्स होते हैं ना जैसे वेरिएबल्स क्या है, एरेस क्या है, ठीक है, साथ साथ में डिसीजन मेकिंग क्या है, लूपिंग क्या है, इन सब चीजों को क्या करना आपको बाकायदा सीखते चलना है, क्योंकि फंडामेंटल मजबूत होगा तो आप किसी भी लैंग्वेज में जाके बैठ जाएंगे। और फंडामेंटल सीखने में कितना दिन लगना चाहिए मैं सबको ये बता दे रहा हूँ, कम से कम 15 दिन से एक महीने आप अगर एक लैंग्वेज में रिपीटिव मेहनत करें तो फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कितने दिन बोला मैंने, 15 डेज टू 1 मंथ, इतना काफी होता है एक लैंग्वेज का फंडामेंटल क्लियर करने में। जो इंटेलिजेंट होते हैं वो 15 दिन में क्लियर कर चुके होते हैं, जो थोड़े से इंटेलिजेंस जिनकी कम है दिमाग काम नहीं करता है एक महीने में फंडामेंटल क्लियर कर लेता है बंदा। तो ये एक रेशियो बना के चलिए कि मैं एक लैंग्वेज पकड़ूंगा तो एक महीने उसी के साथ स्टिक रहो, उस समय चार लैंग्वेज और ना देखो, जैसे अगर आप पीएचपी पकड़ो तो पीएचपी में स्टिक हो जाओ, तो पाइथन पकड़ो तो पाइथन पे आप स्टिक हो जाओ और एक महीने उसी की पूरी तरीके से आप रात दिन उसी को बस देखे, इससे क्या होगा वो चीज आपके दिमाग में सेट होगा और फंडामेंटल आपका हो जाएगा क्लियर। सिक्स्थ पॉइंट आपको ध्यान रखना है लर्न बाय डूइंग प्रैक्टिसिंग एंड नॉट जस्ट रीडिंग, ठीक है। ज्यादातर हमारे जो यंगस्टर्स कोडर्स है ये सब क्या करते हैं सिर्फ रीड करते हैं, जस्ट रीडिंग, कॉलेज में गए रीड किया, आपने टेक्निकल स्टडी कर रहे हो रीड कर लिया, आप यूट्यूब भी देखते ही बस रहते हो, यूट्यूब में कोई वीडियो देख बस लिया, किया कुछ नहीं, ठीक है, वेबसाइट में भी देखा बस, अप्लाई कुछ नहीं किया। आपको ध्यान रखना है कोडिंग में मास्टरी के लिए डूइंग एंड प्रैक्टिसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है,
जितना करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ध्यान रखिएगा आपका इंटेलिजेंस बढ़ता जाएगा। देखने से नहीं होता है, कोई भी इंजीनियरिंग सेक्टर या कोई भी सॉफ्टवेयर लैंड अगर आप पकड़ रहे हो तो देखने से नहीं होता। जैसे कई लोग हमारे बीच में वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट करते हैं, कई लोग हमारे बीच में एक्सेस करते हैं, उनको भी हम कहते हैं देखने से नहीं होगा करने से होगा। तो यहाँ पे करने से होगा आपको ये ध्यान रखना है। सिक्स सेवेंथ पॉइंट आपको ध्यान रखना कोड बाय हैंड। ये एक टेक्निक है जिस टेक्निक से मैंने भी काफी वर्क किया और मेरी भी कोडिंग इससे बहुत अच्छी हुई है। पहले कोडिंग को हम लोग कॉपी में लिखते हैं, उसके बाद उसको मशीन में चढ़ाया जाता है। आजकल के प्रोग्रामर क्या है, क्योंकि लैपटॉप्स आजकल मिल चुके हैं, आजकल बहुत सारे आपको ऐप भी मिल चुके हैं मोबाइल में, मोबाइल में खटखट टाइप किया रन हो गया रिजल्ट। मोबाइल में और लैपटॉप में कोई भी चीज करने से पहले एक रफ रजिस्टर में कोडिंग लिखे, वो भी कोशिश करें ना देख के। जब आप रफ रजिस्टर में कोडिंग लिखते हैं तो आप देखते हैं कि वो चीज आपके दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाती है। और आपको ध्यान रखना है कि दिमाग में कोडिंग का बैठना बहुत जरूरी है। जब लिख के आप कोई चीज करते हो तो बहुत लंबे समय तक वो कोडिंग याद रहती है। तो पहले क्या करें, आप पहले कोडिंग को देखें, फिर ना देख के उसको पहले कॉपी में लिख लीजिए और फिर मिलाइए ओरिजिनल कोड से। जब आप देखेंगे कि उसमें डिफरेंसेस है फिर उसको सुधारिए। जब आपका ये पैटर्न खत्म होगा फिर आप उसमें चलाइए, किसी भी लैंग्वेज के एडिटर में लिखे और फिर आप उसको रन कर सकते हैं। एक मैं इंपॉर्टेंट चीज नए प्रोग्रामर्स को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप कोडिंग को ठीक करने के लिए क्या करें, कोडिंग किसी को सिखाना भी चालू कर दे। जो लोग प्रोग्रामर बनना चाहते हैं वो प्रोग्रामिंग पढ़ाने भी चालू कर देते, घर में क्या करते हैं फ्री कोचिंग मिली करा रहे, कोई जरूरत नहीं किसी वैसे लेने की। कोई बच्चों को पढ़ा दिया, ठीक है, कुछ 11 12 के बच्चों को पढ़ा दिया, कुछ यंगस्टर्स को गाइड कर दिया, इससे क्या होता है आपको नॉलेज मिलता है। तो जिन लोग जो भी आज बड़ी आईटी कंपनी से पहुंचे, बड़ी कंपनी में पहुंचने जरूरी है कि आप पहले उस चीज को अगर टीच करते तो वो चीज और दिमाग में बैठती है। शेयर करें, शेयर करने का मैंने पहले आपको बोल के रखा कि ऑनलाइन भी शेयर कर सकते हो, ऑफलाइन पर डेटा शेयर कर सकते हो, उससे आपके कॉन्सेप्ट खुलते हैं। और ज्यादा से ज्यादा डिस्कशंस करें जो भी आप सीखते हैं। वैसे तो कॉलेजों में बैठकर आजकल जैसे डिस्कशन कुछ और पैटर्न भी होता है, जैसे हमास क्या जीतेगा कि इसराइल जीतेगा, इंडिया पाकिस्तान में कौन जीतेगा, ये चीज आपका डिस्कशन की नहीं है। डिस्कशन ये है कि कोडिंग का एक पूरा पैनल मिलकर डिस्कशन करे, बच्चे मिलकर आपस में डिस्कशन करें कि इस कोडिंग में और क्या बेहतर हो सकता है। ये चीज हमारे साउथ इंडिया में बहुत अच्छा होता है। साउथ इंडिया में केवल टेक्नोलॉजी का डिस्कशन होता है, कंपनीज का डिस्कशन होता है, वहां पर फालतू चीजों का डिस्कशन नहीं होता। तो वहां पे जो चाय के जो शॉप्स होते हैं वहां पर डिस्कशन इन चीजों का चलता रहता है कि भाई इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी अच्छी क्या है, इसको और बेहतर ढंग से हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, और कौन सी और कंपनी है जो हमें और भी ज्यादा पेमेंट कर सकती है। नाइन्थ मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, बिजनेस के लिए ब्रेक लेना बहुत आवश्यक है। बिजनेस को कई बार ये नहीं पता होता कि मुझे कहाँ पे ठहरना है। बिजनेस कई बार क्या करते हैं, पता चला सुबह से बैठे कोडिंग करने 12 घंटे की कोडिंग कई लोग करते हैं, उसमें पता चला और आपका दिमाग डल पड़ जाता है और आपको चिड़चिड़ हो जाती है और आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। बीच में आपको ब्रेक्स लेने की आवश्यकता होती है बिगिनर्स को खास करके, और मैं तो कह रहा हूँ एक्सपीरियंस पर्सन भी ब्रेक लेता है, पर ब्रेक लेने की जो टाइमिंग होती है वो डिपेंड करती है आपका दिमाग कितने देर तक इस चीज पर स्टेक कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर नए प्रोग्रामर्स है तो मुश्किल से आधे घंटे भी वो बैठते बहुत बड़ी बात होती है, पुराने प्रोग्रामर 4-4 घंटे बैठ जाते हैं। कितने मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, 15 मिनट का ब्रेक आप ले लीजिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। कई लोग एक एक दो दो घंटे कोडिंग कर लेते, कई लोग नहीं कर पाते। तो अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो 15 मिनट की एक ब्रेक कैपेसिटी आपको लेनी जरूरी होती है। 15 मिनट ब्रेक में आपको क्या करना है, सबसे अच्छा होता है उस समय मोबाइल ही चेक कर लें। कई लोग क्या करते हैं 15 मिनट के ब्रेक में मोबाइल ऑन किया और देखते हैं कितने लोग मैसेज करते हैं। 15 मिनट के ब्रेक में आप ताजी हवा में टहलिए, फिर ताजी हवा छत में चले गए, कुछ आप बालकनी में खड़े हो गए, या फिर 15-20 मिनट का अगर आप ब्रेक ले लें, हाफ एन आवर का ब्रेक आप ले लें, तो थोड़ा सा बाहर टहलिए, थोड़ा सा ग्रीनरी के साथ अगर आप रहते हैं तो आपका दिमाग जल्दी वापस आता है। ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी लोग आज पैकेज कमा रहे हैं उन्होंने सबसे पहले दिमाग को प्रॉपर ब्रेक्स भी दिए। और ध्यान रखिएगा रात को टाइम से सोना, टाइम से स्लीप बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके दिमाग को रात को एक ओवरऑल ब्रेकिंग चाहिए। लास्ट पॉइंट आपको लिख रहे हैं ध्यान रखना है, जो नए बिगिनर्स है ऑनलाइन वीडियोस और स्टडी मटेरियल को ज्यादा ही फोकस कर लीजिए, ठीक है। आप रोज एक कसम खा लेंगे मुझे 2 या 3 वीडियो ऑनलाइन देखने, किस पर, जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है बंदरों की तरह नाचना नहीं है, आपको एक टॉपिक पे 1 महीने कम से कम रहना है, एक सब्जेक्ट पर, एक लैंग्वेज पर 1 महीने मिनिमम रहना पड़ेगा, बेसिक तभी क्लियर होते हैं। उस दौरान क्या करें, उसी के वीडियोज देखें, उसी के स्टडी मटेरियल्स आप अरेंज करें, आप खुद से नोट्स बनाएं,
आप कोशिश ये करें कि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के हर गहरी चीज को अच्छे से पॉइंट आप कर लीजिए, क्योंकि आपको ध्यान रखना है बेसिक्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो मैंने आपको ये 10 पॉइंट कुल आपको पहले मैंने बताया, जो बिगनर्स है वो इन पॉइंट्स पे थोड़ा सा काम करिए, क्योंकि आपको ध्यान रखना है बिगनर्स जो रहते हैं यही सबसे पहले लूजर्स भी है। अगर बिगनर किसी लैंग्वेज में 3 महीने नहीं टिक पाया, अगर 3 महीने मान लो उसका मन नहीं लगा, तो बिगनर ही सबसे पहले छोड़ के भागता अपनी लाइफ को। अपने भारत में और जितने भी हम लोग देख रहे हैं कि इतने अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस है, उसके बावजूद लोगों के क्यों मार्केटिंग करने में, क्यों छोटे मोटे काम करने में मजबूर हो गए, क्योंकि आपने शुरुआती 2-3 महीने आप टिक नहीं पाए, आपका मन बदल गया और फिर बहुत लोग रहते हैं जो आपके दिमाग को रिशेड्यूल कर देते हो, तो आपने फिर अपने मेन सेक्टर को छोड़कर आपने साइड सेक्टर्स पकड़ लिए। तो ये 10 पॉइंट आप अच्छे से देख लीजिएगा जो बिजनेस को काफी जरूरी होता है, ऑफ कर देना ठीक है। तो अब सभी यहां पे ध्यान दें, इंटरव्यू सच्चा ही है, आप सबको इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू में 2 आपके टेस्ट एक साथ चलते हैं। एक टेस्ट कौन सा होता है, आपकी पर्सनैलिटी देखकर, कि आपको देख के पहले इंसान का मन बन जाता है कि आपको रखे कि ना रखे, और दूसरा क्या होता है जब आप सामने पैनल के बैठ के इंटरव्यू देते हैं। अब एज्यूम करें कि अगर आप बिना नहाए या बिना किसी मैनेजमेंट के अरेंजमेंट के सीधे आप चले गए और इंटरव्यू में आप बैठ गए, आपका बॉडी लैंग्वेज देख के पहले उसके मन में आ जाएगा कि इसको तो लेना ही नहीं है, फिर सवाल भी वो फॉर्मेलिटी के एक दो पूछ के कहेगा चलिए ठीक है जाइए नेक्स्ट को बुलाइए। पहला राउंड आप वैसे ही हार जाते हैं जब आपके बॉडी लैंग्वेज ही परफेक्ट ना हो, पहला राउंड हार जाते हैं। मैं टॉपिक लिखाने से पहले 5 ऐसी गलतियां मैं पहले आपको बता दे रहा हूं जो बच्चे बहुत ज्यादा कर रहे हैं अपने ये प्रोफाइल में, कॉलेज प्रोफाइल में। स्कूल में आप देखते थे कि स्कूल में आप लोग बड़े पंचुअल थे, आप नहाए धोए भी रहते थे, साथ साथ में आप लोग बड़े एक्टिव भी रहते थे, चेहरे पे चमक रहती थी। 3 साल बाद कॉलेज से निकलने के बाद क्या होता है, लड़कों के चेहरे पे, बच्चों के चेहरे पे, बच्चों के चेहरे पे चमकदार हो गई और अजीब टाइप के ड्रेसिंग सेंस हो गया उनका, बैठने उठने का तरीका बदल गया, बात करने का तरीका बदल गया, मैनर्स तो खत्म ही हो जाता है। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि आप लोग जो है सिर्फ फालतू चीजों पे ज्यादा चर्चा करते हैं आफ्टर कॉलेज, लेकिन काम की चीजों से आपका फोकस हट जाता है। मतलब जो स्कूल तक जो चीज मेंटेन थी, कॉलेज में इतना ज्यादा खुद को आप फ्री कर लेते हो कि उसके बाद आपके इंटरव्यू में वही भारी पड़ता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जिसको हम लोग कहते हैं एक बार में डिसिप्लिन हमने तोड़ दिया, जो डिसिप्लिन को स्कूल लाइफ में रहता था वो डिसिप्लिन हमने तोड़ दिया कॉलेज लाइफ में। अब इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो क्या आपको विदाउट डिसिप्लिन काम चलेगा, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज पर अगर काम नहीं है तो क्या बात बनेगी, नहीं बनेगी। आप में से जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ डिग्री से काम चलता, मैं बता दूं डिग्री से कोई काम नहीं चलता है। सबसे पहले आपका प्रेजेंस मायने रखता है, अगर आपका प्रेजेंस ही ठीक नहीं है कितना बड़ा डिग्री आप ले लो कोई आपको मौका नहीं देगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की बात करें या कोई भी बड़े मंत्री की बात करें, आप उनका देखना बॉडी लैंग्वेज जिसका अच्छा हो तो उसी को ऊंचे पदों में रखा जाता है। जो लोग बोल भी नहीं पाते जिनका बॉडी लैंग्वेज डाउन रहता है उनको देखिए कोई पद भी नहीं दिया जाता, आप देखिएगा जरा। तो वहां पे कौन सा किसको पूछता है कि हमारे पीएम साहब ने क्या कोर्स किया, सीएम साहब ने क्या कोर्स किया, बॉडी लैंग्वेज है तो सीएम बन जाओगे, नहीं है तो नहीं बन पाओगे। पहले शरीर पे तो काम कर लो, क्योंकि आपका डिस्प्ले ही डिसाइड करता है कि मैं आपको मौके दूंगी ना दूंगी। आपको यहाँ पे मैं कोई 10 ऐसे पॉइंट में बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। पहला आप पॉइंट लिखिएगा फैशन एंड ग्रूमिंग, फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा फैशन एंड ग्रूमिंग, जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि भाई हम फैशन से कैसे रहे, फैशन का मतलब ओवर दिखाना नहीं लेकिन इतना दिखाना कि सामने वाला आपको कम से कम नोटिस करे। शायद आपको पता नहीं है कि आप में से ज्यादा लोगों को नोटिस किया ही नहीं जाता कभी, आप पार्टियों में जाते हैं कोई नोटिस नहीं, आप ऑफिस में काम करते कोई नोटिस नहीं कर रहा, रियल रीजन क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज में फैशन ग्रूमिंग दोनों चीज नहीं है। बड़े शहरों में ध्यान रखना जब बच्चा कॉलेज में आता है तो ग्रूमिंग क्लास ज्वाइन करता है, ग्रूमिंग क्लास में अपने पहले पर्सनैलिटी पे काम करना चालू करता है, क्योंकि उसको मालूम है दिखूंगा नहीं तो बिकूंगा नहीं, बात खत्म, पहले दिखना होगा देन आप बिकोगे, और बिकना जरूरी है, बिकोगे नहीं तो खाओगे क्या, इस दुनिया में पैसे के लिए बिकना जरूरी होता है। तो फैशन ग्रूमिंग में सबसे पहला आपको ध्यान रखना है आप लर्न फैशन बेसिक्स, आप क्या करें फैशन का बेसिक्स पहले लर्न करें। बेसिक्स का मतलब ट्रेंडिंग फैशन क्या चल रहा है, कैसे कपड़े आज लोग पहनते हैं, किस तरीके से लोगों का आज से सेंस बदल रहा है अपने ड्रेसेस में, ये आपको देखना पड़ेगा।
टाइस कब पहने जाते हैं, कब नहीं पहने जाते, बेल्ट कैसे पहने, शूज है, सॉक्स कैसे पहने जा रहे हैं, इंटरव्यू में भी और नॉर्मल पैटर्न्स में भी आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ट्रेंड्स बदलते रहते हैं और ट्रेंड्स के मुकाबले हम पीछे हो जाते हैं। आप जब किसी बड़े शहर में जाते हो वहां भी आप देखते हो बॉयज एंड गर्ल्स की पहनावा और आप कहते हैं साला ये पहनावा हमारे पास है ही नहीं। नंबर भी लिखिएगा, कीप चेंजिंग योर फैशन। आपके फैशन पे थोड़ा चेंज करे, आपके पहनावे, आपके कपड़े जो है ना, और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आप चीजें यूज करते हैं उनमें समय के साथ थोड़ा बदलाव करना स्टार्ट करें। ये चीज अगर आपको यहाँ पे अजीब टाइप भी लगती है तो कभी इंदौर चले जाइए, एक दिन रहिएगा, या अगर मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में चले गए, आप अगर बेंगलोर चले गए तो आप देखिएगा रहन सहन वहां के लोगों का। अगर वो एक बी ग्रेड कपड़े भी पहनते, जो हम लोग घर में पहनते ना बी ग्रेड कपड़े, वो भी ध्यान रखना एक तय फैशन के हिसाब से वहां के लोग पहनते हैं, उन्होंने उतना मेंटेन किया हुआ है, कहीं भी जाते हैं उनका बाकायदा सब कुछ मेंटेन चलता है, ठीक है। आप कुछ डिफरेंट स्टाइल भी एक्सपेरिमेंट करें, कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहे, कुछ नए नए स्टाइल के कपड़े पहने, कुछ नई नई जो ड्रेसेस आती है ना मार्केट में एक्सपेरिमेंट करिए। आजकल जबलपुर में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी आ चुके हैं, ठीक है, तो आप वहां जाके कुछ नए कपड़े क्या कर सकते, तो ट्राई करिए समथिंग न्यू, देखिए तो कि आपको क्या सूट करता है। कुछ कपड़े कई बच्चों को बहुत अच्छा सूट करता है, आप देखिए आपकी शूटिंग क्या है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड आ चुका है, नौकरी और बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको प्रेजेंटेबल होना जरूरी है। नंबर सी, विशेष ध्यान रखिएगा स्किन और हेयर का, स्किन हेयर इस पे मैं थोड़ा सा विशेष ध्यान देने जा रहा हूँ। कई बच्चों के हेयर्स बड़े एकदम डिस्टर्ब टाइप के रहते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब इन द सेंस प्रोफेशनल डिस्टर्ब, ऐसे नॉर्मल में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप देखिएगा अगर हेयर आपके डिस्टर्बेंस है तो डॉक्टर से मिलकर बोले हेयर को ठीक ठाक कराए। कई लोग के बाल भी उड़ने लगते जवानी में, ध्यान ही नहीं देते, उड़ने दो। कई लोग की स्किन बहुत ड्राई होती है, कई लोग की स्किन में पैचेस रहते, याद देखता ब्लैक पेज रहते, या ब्लैक पेज स्किन में डार्कनेस, कई सफेद कई काला, थोड़ा इसी चीजों पर ध्यान दीजिए। अभी आप ध्यान रखिएगा कि अभी आप लोग नौकरी नहीं की, आप लोग ने अभी लोग देखते हैं, अगर आप पूना में जाके बैठ गए, पूना में सामने वाले ने स्किन टोन देखा, बोले किसका यहाँ के काले हाथ, यहाँ के काले शक्ल बड़ा ग्लो मार रहा है, उसी को देख के कहेगा कुछ इससे स्किन प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं, या फिर आप बहुत महकते हैं, पसीना आता बहुत ज्यादा महक जाते हैं, ये सब चीजें नोटिस करें कि मेरे अंदर ऐसी क्या चीज है जो थोड़ा अजीब टाइप का लगता है, महक तो नहीं रहा, मेरे पसीना ज्यादा तो नहीं आता, स्किन टोन ठीक है कि नहीं, मेरे हेयर्स ठीक है कि नहीं, ठीक है, मेरे बॉडी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं के कंधे ऐसे झुके रहते हैं, उसको ठीक कराने का प्रयत्न करिए, एक्सरसाइज करिए, जिम करके क्या करें, कंधे ठीक करिए, नहीं